between us and the Congress, we'll have a record number of seat system and we'll be comfortably making this government. Sir, किसी पार्टी को आप कंपटीशन समझ रहे हैं? अगर किसी पार्टी को कंपटीशन समझ रहे हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो कौन सी होगी? देखिए, इलेक्शन में हर पार्टी कंपटीशन में होती है. गुड इवनिंग व्यूअर्स. As you can see in the background, we are in beautiful Kubwara, and with me on board, Mr. Nasir Aslam Bani, who is the provincial president of National Conference for Kashmir and ex-minister. Bani sir, welcome to the show. Thank you. My first question to you would be, how would you describe the movement or the pace with which NC is trying to move since the announcement of the elections? Luckily, we just have come out of parliament election, so we were the cadre was already in election mode. So to mobilize all the cadre and gather momentum for assembly election has been that way a little easier. But you can see everything is in place. You must have gone to places. The cadre is quite enthusiastic. Rallies are happening. People to people contact is on. So overall, I think NC is in a better grip right now as far as this election is concerned. Vani saab, इस बार आप कुबाड़ा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन? पर्टिकुलर रीजन तो ये, एक तो मैं इसी एरिया का हूँ, आई बिलोंग टू इस एरिया. इन 2008 पार्टी फील्डेड मी फ्रॉम श्रीनगर, बट आफ्टर दिस डिलिमिटेशन वी गॉट एन एक्स्ट्रा सीट इन कुबाड़ा. सो नाउ पार्टी हैज गिवन मी दिस रिस्पांसिबिलिटी, सो आई एम बैक हियर टू माय रूट्स. सर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर यू सी एनसी विल गेट इन द इलेक्शन ऑन 8th ऑफ अक्टूबर? Numbers, it is too difficult and not right for me to guess, but we will definitely have between us and the Congress, we'll have a record number of seat system and we'll be comfortably making this government. Sir, किसी पार्टी को आप कंपटीशन समझ रहे हैं? अगर किसी पार्टी को कंपटीशन समझ रहे हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो कौन सी होगी? देखिए, इलेक्शन में हर पार्टी कंपटीशन में होती है. अगर इंडिविजुअली भी कोई लड़ता है, कोई इंडिपेंडेंट भी लड़ता है, वो भी एक कंपटीशन है. और पिछले पार्लियामेंट के एक्सपीरियंस से किसी चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं या लाइटली नहीं ले सकते हैं. जैसे नॉर्थ कश्मीर में आपने देखा, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आया, उसने जो ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम पार्टीज थी, जो प्रीमियर पोलिटिकल पार्टीज थी, सबको मतलब एक तरह से हैरान ही कर दिया. कोई अंदाज़ा नहीं था. तो किसी भी चीज़ को ईजी नहीं ले सकते. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.